बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मायरा अमजद, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैथमेटिक्स ग्रेड वन के अंदर नंबर्स को कंपेयर करना है। आज हम टू डिजिट नंबर्स को कंपेयर करेंगे। टू डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो दो नंबर से मिलके बनते हैं, जैसे 3 और 5 35, 4 और 0 14। तो बस इसी तरह आज हमने टू डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज ओपन कर लें। जी तो बच्चों, अब आप अपनी बुक के पेज पर देखें, कंपेयरिंग नंबर्स, टू डिजिट नंबर्स। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि टू डिजिट नंबर में नंबर्स को कंपेयर करने का पहला रूल क्या है। अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ वन डिजिट नंबर। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा टू डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर से बड़ा होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो। 10 9 से बड़ा है, 10 8 से भी बड़ा है, और इसके नीचे जितने भी वन डिजिट नंबर हैं उन सबसे बड़ा है। इसी तरह जो वन डिजिट नंबर है वो हर टू डिजिट नंबर से छोटा है। तो हमेशा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। रूल नंबर टू ये कहता है, व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू डिजिट नंबर्स, वी फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस। ओके, पहले हम देखेंगे कि टेंस कितने हैं। द नंबर हैविंग ग्रेटर टेंस डिजिट्स इज ग्रेटर इफ द टेंस प्लेस डिजिट्स आर सेम, वी कंपेयर द वंस डिजिट। यानी कि अगर आपके पास 33 है और 32 है, तो आप पहले इसके टेंस को कंपेयर करेंगे, यानी कि 3 और 3 वो तो सेम हो गए। फिर आप उसके वंस को कंपेयर करेंगे, तो 33 में 3 और 2 को देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो आप 33 को ग्रेटर देन कहेंगे। इसी तरह अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 63 एंड 61। अब आप देखें इन दोनों के टेंस में 6 आ रहा है, यानी कि इनके टेंस तो सेम हैं। उसके बाद हम इनके वंस को देखेंगे, तो एक के वंस हैं 3 और दूसरे के वन है 1। तो अब यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 1, जो हमें ये बताएगा कि 63 इज़ ग्रेटर देन 61। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 59 और 76, जहाँ पे हमने पहले बिल्कुल टेंस को कंपेयर करना है। तो हमारे पास एक है 5 टेंस और दूसरे में है 7 टेंस, जो कि सीधा हमें बता रहा है कि 5 इज स्मॉलर देन 7। उसके बाद हमने वंस को भी कंपेयर कर लिया, तो हमें ये पता चला कि 59 इज स्मॉलर देन 76। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, 45 एंड 45, दोनों इक्वल हैं, टेंस भी इक्वल हैं, वंस भी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे 45 इज इक्वल्स टू 45। अच्छा बच्चों, अब आपने नेक्स्ट पेज पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को मेरे साथ रिवाइज करना है। यहाँ पे आपने एग्जांपल में बताना है कि असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो अब आपने नीचे दी गई एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि तीनों क्वेश्चंस में जो नंबर्स मौजूद हैं उनको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर्स मौजूद हैं उनको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। इसके बाद मैं आपको बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कंसेप्ट समझाऊंगी। बच्चों, आपको पता है ना कि हम बिटवीन कहते हैं सेंटर में आने को, बिफोर कहते हैं सबसे पहले, यानी कि किसी एक नंबर से पहले आने को, और आफ्टर कहते हैं किसी नंबर के बाद में आने को। इसी तरह अब आपने नीचे दी गई एक्सरसाइज में मौजूद इन नंबर्स के बिफोर वाले नंबर्स लिखने हैं, 13 के बिफोर वाला नंबर लिखना है, 26 के बिफोर वाला नंबर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बिटवीन वाले नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 16 और 18 के बिटवीन नंबर 17 आता है, तो आप यहाँ पे 17 लिखेंगे। और जो थर्ड कॉलम है उसमें आपने आफ्टर वाले नंबर्स लिखने हैं, यानी कि 17 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है, आपने यहाँ पर वो लिखना है। इसी तरह से आपने नंबर्स लिखे, इन पेजेस को कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं और आपको सारे कंसेप्ट के अच्छे तरीके से समझ आई है। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आएंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।